वो था, तो मैंने खुद अपने हाथों से सूटकेसेस उठा उठा के कन्वेयर बेल्ट पर रखता था। ये नहीं कि लोग नहीं थे, मैं खुद चाहता था कि मैं फील करूँ कि किस तरह का काम है। मैंने खुद कैबिन क्लीनिंग की है, मैंने खुद चेक इन पे खड़े होकर बोर्डिंग पासेस इशू किए हैं। आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक फ्रेंड्स। ओके, गुड। स्कूल के अंदर कोई नहीं था मेरा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज का ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ही बहुत ज़्यादा सीखा है यार, बहुत ज़्यादा सीखा है। हमारे पॉडकास्ट का जो फ़्लो चला था बड़ा इंटरेस्टिंग था। बेसिकली जो अरशद वली मोहम्मद साहब आए थे, वो ही इज़ वन ऑफ़ द ओनर ऑफ जेरीज़ ग्रुप, और बहुत ही बड़े, बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस किस्म का इंसान आया है जिसकी इतनी ज़्यादा लर्निंग है, नॉलेज है, इतना कुछ अचीव किया हुआ किसी ऐसे इंसान ने, तो हमारे बड़े होते हैं ये। जो पूरी कॉन्वर्जेशन हुई उसका बेस्ट पार्ट ये कि उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया, उन्होंने अपने वालिद साहब की तरबियत के हवाले से बताया, उन्होंने फिर ये बताया कि उसके बाद किस तरह से वो ट्रेनिंग होती है, बचपन की ट्रेनिंग कितना ज़्यादा काम करती है, काफ़ी सीखने की बातें हैं। और जेरीज़ ग्रुप के बारे में बात हुई कि कितने सारे बिजनेसेस हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको हैंडल करना कितना मुश्किल काम होता है, और एक ऐसे इंसान के साथ कॉन्वर्जेशन करना जिसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है और मैंने सीखा, और इस पॉडकास्ट से आपको भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और स्पिरिचुअलिटी वाला टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर भी हमने बात की। सो यस, इस पॉडकास्ट की इस कॉन्वर्जेशन को आपने इन्जॉय करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू, इनवाइट किया आपने। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। इस कॉन्वर्जेशन का आगाज़ मैं ना इस कारोबार की माजी से ही करना चाहता हूँ। बेसिकली जेरीज़ इंटरनेशनल इसका नाम है, या जेरीज़ ग्रुप कह सकते हैं। नहीं, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई 64, तो ये थी जेरीज़ ट्रैवल 1964। जी, ओके। और जिसने ये स्टार्ट की उनका नाम था जेरी रोज़ेरियो, ही वाज अ क्रिश्चियन पाकिस्तानी। ओके। जिन्होंने ये शुरू किया काम होटल मेट्रोपोल। यस। और सिर्फ एक ऑफिस था विद, उन्होंने उस वक्त का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हमने टेक ओवर किया इसको 77 में, तो उस वक्त 11 लोग थे टोटल इसमें। 64 में इन्होंने ये कंपनी बनाई, और फिर 71 शायद उसमें ये प्लेन क्रैश में की डेथ हो गई, जो PIA की फर्स्ट फ्लाइट थी टू कायरो, इनॉग्रल फ्लाइट, वो क्रैश हो गई थी जिस पे इनकी डेथ हो गई। फिर एक पारसी फैमिली ने इसको एक्वायर किया और 6-7 साल इसको चलाया, फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे कंटिन्यू करने में। फिर मेरे फादर को इन्होंने 1977 में सेल किया, तो 1977 से हमने ये बिज़नेस शुरू किया अपने तरफ से। जेरीज़ ट्रैवल को आप आगे लेकर चले? जी, उस वक्त एक ही ऑफिस था मेट्रोपोल के कॉर्नर पे, आइकॉनिक जगह है जी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह थी इस ज़माने। 77 से शुरू किया, अब तकरीबन कोई 4-5 साल पहले हमने इसको ख़त्म किया है वहाँ से। ओके। मतलब ख़त्म नहीं किया, उसको मूव कर दिया हमें बेटर लोकेशन। उसके बाद ये कारोबार कहाँ गया? 77 में हमारे पास ये था ट्रैवल का सेटअप, जो सिर्फ ट्रैवल एंड टूर्स में डील करता था। उसके बाद मेरे वालिद के साथ, मरूम के साथ, दो मेरे बड़े भाई, उन्होंने ज्वाइन किया उसी वक्त 77 में, बल्कि वो पहले से ही थे, लेकिन इन तीनों ने मिलकर इस कारोबार को शुरू किया। और 84 तक इसी को चलाते रहे। 84 में फिर एक और कंपनी फॉर्म की, जेरीज़ इंटरनेशनल, जिसका पर्पस था कि एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में लाई जाए, क्योंकि जेरीज़ ट्रैवल एज़ पर लीगल अलाउ नहीं था, क्योंकि ये एक IATA अप्रूव ट्रैवल एजेंसी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कोई एयरलाइन अगर आपको अपॉइंट करना चाहती है। तो फिर हमने एक सेपरेट एंटिटी फॉर्म की, जेरीज़ इंटरनेशनल, और वहाँ से फिर हमारे
सफ़र का आगाज़ हुआ, जो हमारा सेकंड फेज़ आया, फिर हमने यूएस की एक एयरलाइन, उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ऑफलाइन। ऑफलाइन कहते हैं जिसके एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करते पाकिस्तान में, बट वो नियरेस्ट किसी जगह से आपके पाकिस्तान से जो भी एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी उसको कनेक्ट करते हैं। तो यूएस की एक एयरलाइन थी, वो लंदन ऑपरेट उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पाकिस्तान में हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और साथ साथ उसके एक यूरोपियन एयरलाइन थी ऑस्ट्रियन, इन दोनों ने हमें यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। तो एक नया नया था बिल्कुल, दो चार लोग हमने रखे उसके लिए, शुरू किया। उसके बाद फिर ये चलता रहा, बहुत लंबी कहानी है तो पूरी 84 से लेके फिर 88 तक, और दो तीन एयरलाइंस ने ज्वाइन किया हमें। कंपनी माशाल्लाह हमारी अच्छी चल गई, परफॉर्मेंस अच्छी थी, रेपुटेशन अच्छी थी, जिसकी वजह से और एयरलाइंस ने इंटरेस्ट शो किया अपनी रिप्रेजेंटेशन देने में हमें। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 1988 में, जब फेडेक्स जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयर एक्सप्रेस कार्गो कंपनी है, दे वांटेड टू हैव देयर रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान एंड दे वांटेड टू कम्पीट विद वन ऑफ द जायंट्स पाकिस्तान के अंदर, कोरियर कंपनी। तो वो पाकिस्तान में एंटर हुए और फिर उन्होंने हमें अपना ग्लोबल सर्विस एजेंट अपॉइंट किया पाकिस्तान के लिए 1988 में। तो फिर बाकी जो मेरे और दो भाई थे, दे वर स्टडिंग इन यूएस, दे केम बैक, और फिर उन्होंने भी आके हमारे दो भाइयों को ज्वाइन किया 1988 में, और फिर इस फेडेक्स को हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया। अनफॉर्चुनेटली 1990 में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो ये जो हमारे मेरे चार भाई हैं, इन्होंने फिर इस कारोबार को लेके आगे बढ़े, फिर इनकी शादियां हुई, फिर और एयरलाइंस आईं, ज्वाइन किया हमारे ग्रुप को उन्होंने। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक आरएफपी फ्लोट किया कि ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। आरएफपी क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ओके। पाकिस्तान के अंदर अगर आप जाएं 20-25-30 साल पहले, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सर्विसेज थी वो सर्विसेज अप टू स्टैंडर्ड नहीं थी। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट यहाँ उतरता है तो उसके बाद बड़ा काम होता है, पैसेंजर्स को डिसम्बार्क करना, उसके बाद बैगेज कार्गो, और वही पैसेंजर पे जाने वाले होते हैं, उनके चेक इन होते हैं, उनका सामान जहाज़ तक पहुँचाना, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, पुश बैक, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। क्योंकि एयरलाइन अपना जहाज़ लेके आती है, उसके बाद उसके पास अपना कोई सेटअप नहीं होता है, वो फिर जो कंपनी होती है हैंडलिंग लोकल एजेंसी उसको ये दे देती है, और वो उस एयरक्राफ्ट को लुक आफ्टर करते हैं जब तक वो वापस डिपार्चर हो नहीं जाता उसका। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो ही कंपनियां थीं, एक PIA और एक दूसरी सेमी गवर्नमेंट, बट क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, और मतलब डेढ़ घंटे की फ़्लाइट, दुबई से पैसेंजर आ रहा है कराची, और डेढ़ घंटा उसको से दो घंटे सामान आने में लग रहा था। Yes. इसके अलावा और भी बड़े इश्यूज़ थे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि वाई नॉट इनवाइट प्राइवेट सेक्टर जो आके एयरपोर्ट के ऊपर एक क्वालिटी सर्विस ऑफर करे। तो उन्होंने जब RFP फ्लोट किया, हमने पार्टिसिपेट किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी रिसीव द फर्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग लाइसेंस इन प्राइवेट सेक्टर। फिर हमने उस वक्त बैठ के ये सोचा कि या तो हम 100% खुद करें, लेकिन उसके लिए जो एक्सपर्टीज़ हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया सिर्फ दो ही कंपनियां कर रही थी, उसके अलावा मुश्किल था। तो फिर हमने सोचा कि वाई नॉट वी शुड ब्रिंग अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान में। दो तीन ऑप्शन थे हमारे पास इस रीजन में, किसके साथ हम शेक हैंड करें। तो हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ UAE दुबई, उनके साथ हमने शुरू किया, और बड़ा सक्सेसफुल हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। और उनकी जो एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है दनाटा, दुबई नेशनल एयर ट्रैवल एजेंसी, ये कंपनी ओन करती थी एमिरेट्स एयरलाइन को। ये पुरानी है, एमिरेट्स तो बाद में बनी है,
ये तो 70s की बनी हुई है, जब दुबई एयरपोर्ट बना था उस वक्त से ये कंपनी। इसको कार्गो कंपनी कहा जाएगा? नहीं, ट्रैवल एंड कार्गो बोथ। ट्रैवल एंड कार्गो। तो उनके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया और फॉर्चुनेटली फिर एमिरेट्स ही हमारा फर्स्ट कस्टमर भी बना यहाँ पे पाकिस्तान में। तो 1994 में हमने कंपनी फॉर्म की, एमिरेट्स ग्रुप जो अब कहलाता है, अब डनाटा उसका पार्ट है, उसके साथ हमने एग्रीमेंट किया और वी इंट्रोड्यूस्ड दिस कंपनी इन पाकिस्तान और 1994 में। और इसका नाम था जेरीज एंड डनाटा? जेरीज डनाटा प्राइवेट लिमिटेड। जेरीज डनाटा प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जेरीज डनाटा इस वक्त पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। हमारे पास तकरीबन 65-70% मार्केट शेयर है इस वक्त तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स का। जितनी मेजर एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो सारी जेरीज डनाटा ही इसको हैंडल करता है। तकरीबन 1000-2000 के लगभग इनका स्टाफ है हमारा, तमाम मेजर एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तान के हम हैं। और हमारा टारगेट ये था, क्योंकि एक साल जो शुरू था वो मैंने ही काम किया था उसके ऊपर, एयरपोर्ट पे होता था मैं, और मैं ट्रेनिंग भी इसी तरह ले रहा था, हमारे लिए भी एक नया नया वो था। तो मैंने खुद अपने हाथों से सूटकेसेस उठा उठा के कन्वेयर बेल्ट पर रखता था। ये नहीं कि लोग नहीं थे, मैं खुद चाहता था कि मैं फील करूं कि किस तरह का काम है। मैंने खुद कैबिन क्लीनिंग की है, मैंने खुद चेक इन पे खड़े होकर बोर्डिंग पासेस इशू किए हैं। ओके, और ये कब की बात है? 94। ओके, तो एक साल में पूरा रहा एयरपोर्ट के ऊपर, पूरी पूरी रात, दो दो दिन रहते थे हम एयरपोर्ट पर। कई एयरलाइंस ऐसी थी जिनका पता ही नहीं होता था फ्लाइट डिलेज हो रही हैं, तो मैं रहता था एयरपोर्ट पे, मेरा ऑफिस था अंदर ही। तो एक साल मैंने काम किया वहाँ पे, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो एक साल समझ लें कि उसने मुझे सिखा दिया सब कुछ। ये बेसिकली मैं आपको इसके, मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगा कि मैं दिल्ली वाला हूँ और इसी तरह से मेरे काफ़ी सारे मेहमान दोस्त भी हैं। तो हम जब बैठते हैं तो हमने यही देखा है कि हम जब अब्बा के कारोबार के अंदर जैसे ही जाते हैं या अपने कारोबार जैसे ही उसका पार्ट बनते हैं तो हमारे स्टार्ट की ट्रेनिंग ही इस तरह से होती है कि भाई चाय सर्व करो, बहुत ही नीचे से, कि ताकि वो ईगो जो है ना, वो एक पूरा मैंने देखा है कि हमारे पूरी फैमिली के अंदर या फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके अंदर एक कल्चर है कि आई थिंक बच्चे को कारोबारी बनाने से पहले उसकी ईगो किल करना भी ज़रूरी है। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया एयरपोर्ट पे, तो मेरा, मैं तो अपने बिजनेस को ज्वाइन कर चुका था, मैंने तो 1990 में ही कर लिया था, बल्कि उससे पहले मैं, जब मैं अपने स्कूल से घर जाना होता था तो मैं कोशिश करता ना अपने ऑफिस आ जाऊँ जेरीज ट्रैवल में। तो मेरे शौक़ को देखते हुए उस वक्त मेरे लेट फादर ने मुझे अलाउ किया हुआ था कि 2-4 घंटे चले जाया करो एवरी ऑल्टरनेट डे। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज ए टेलीफोन ऑपरेटर। जो मेरे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी कॉल्स में मिलाता था, और उनकी जितनी कॉल्स आती थी वो मैं ट्रांसफ़र करता था उनको। तो एक तरह से मैं उनके अंडर में होता था। तो वही जो आपने बात कही ना कि ईगो किल करने वाली, तो उन्हीं के साथ खाना भी खाना, उन्हीं के साथ बैठना, तो ना उनको उनको ये एहसास होता था कि जी ये ओनर का बेटा है। भाई भी मेरे साथ थे बट वो तो एक्सपीरियंस थे, तो उनके अंडर में जो लोग थे उनके अंडर में मैं होता था, और मैं आई वॉज़ हैप्पी। थोड़ा उस वक्त बुरा लगता था जी मेरे भाई ओनर्स हैं, मेरे फादर ओनर हैं, मुझे कहाँ बैठा दिया ला के। बचपन होता है, बचपन था, सबके अंदर ही होता है, सबके अंदर ही। मैच्योरिटी नहीं थी ना एकदम, लेकिन उसने मुझे पूरा पॉलिश किया, सिखा दिया सारा। तो आज अभी भी मैं तैयार हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं खुद शुरू हो जाता हूँ। मैं थोड़ा सा ना इसी तरफ कॉन्वर्जेशन को रखना चाहूँगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि जिस तरह से आप पूरी कंपनी का बता रहे हैं इतना आसान नहीं है। हाँ, एक्सप्लेन करना आधे घंटे के अंदर, बता देना कि जेरीज ग्रुप जो है वो इस तरह से बना, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये है रियल प्रोसेस जो आपने अभी बताया है कि मैंने अपने हाथों से ना वो उस बेल्ट पर सामान रखा, अपने हाथों से जो है वो कैबिन साफ़ किया। अब मुझे थोड़ा और इसका बताएं कि वो एज आ अपने आप को वो जो ट्रेनिंग होती है उस प्रोसेस में, क्योंकि एक पूरा एक कल्चर होता है फैमिली का या जिस तरह से करीब का,
उसमें थोड़ा सा और मुझे डिटेल बताएं कि एक कारोबारी इंसान बनने के लिए ऐसा तो नहीं होता ना कि आज पहले ही दिन जो है ना मेरे कलफ वाले कपड़े पहन लूँ और बोलूँ कि नहीं मैं तो वही बिजनेस मैन हूँ. इट डजंट वर्क लाइक दिस आई थिंक. इट्स वेरी शॉर्ट टर्म. टेल मी हाउ डज इट वर्क एज अ फॉर अ लॉन्ग टर्म बिजनेस मैन. अगर आपको बनना हो तो क्या करना पड़ता है? देखें ये तो मैंने आपको 94 तक बताया ना, मैं उससे पहले का ही बताऊंगा ताकि फिर आगे बढ़ेंगे. प्लीज, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. देखें मैं अपने फादर का सबसे लास्ट छोटा बेटा हूँ, उनका फेवरेट था मैं. तो जब से होश संभाला मैंने 6-7 साल का था मैं, तब से उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच रखा हुआ था. अच्छा आजकल की इतना नहीं है वो, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. एक फादर सन एज ए फ्रेंड का जो कल्चर है हमारे यहाँ बन रहा है या बन गया है, वो उस वक्त नहीं था. उस वक्त फादर फादर ही होते थे, सामने पैर रख पे पैर रख कर बैठना मना था. फिर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़मीन पे, जा नमाज के ऊपर तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते थे, आप या तो खड़े रहें या फिर आप फर्श पे बैठे हैं वेट करें उनका नमाज़ पढ़ने का. और ख़ास तौर पर मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं बड़े स्ट्रिक्ट माहौल से गुजरा हूँ. मतलब लोग कहेंगे यार बड़ा जुल्म हुआ इसके ऊपर, लेकिन आज मैं सोचता हूँ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ ये. आपका अपना ओपिनियन है और उसकी रिस्पेक्ट है. आई वॉज नॉट अलाउड टू मेक फ्रेंड्स. ओके गुड. स्कूल के अंदर कोई नहीं था मेरा दोस्त, मुझे खाली नहीं छोड़ा जाता था कि तुम खाली बैठोगे तो शैतानी ख्याल आएंगे तुम्हें, काम में लगो. मतलब घर था अच्छा, बड़ा घर था और काम करने वाले भी थे उस घर में, लेकिन उनके साथ मुझे काम पे लगा दिया जाता. मतलब उस ज़माने में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, तो जिस दिन वीकडे होते थे होता था संडे टू थर्सडे, तो मुझे सुबह 4:30 बजे से ज़्यादा सोने की इजाज़त नहीं थी. 4:30 उठना है, जमात से फजर पढ़नी है, फिर फादर के साथ ही जाना है. उनको शौक था बड़ा वॉक शॉक करने का, तो CV उस वक्त इतना था नहीं, खाली खाली होता था. तो वहाँ पे अंधेरे में कितने साल मैंने उनके साथ वॉक करने का शौक था तो वो करता था. ओके. फिर 8 बजे तक वापसी होती थी, 7-8 बजे तक ब्रेकफास्ट किया, स्कूल चले गए. हमारा भी पब्लिक स्कूल था, 4 बजे तक. 5 बजे घर पे आ रहे हैं, फिर एक ट्यूशन, 6 बजे वो ख़त्म, फिर एक और इंस्टीट्यूट पढ़ना, 7 बजे वो ख़त्म. तो बंदा ख़त्म हो जाता था 8 बजे तक तो. फिर उसमें भी अलाउ नहीं था, 1 घंटा छोड़ते थे ड्रामा देख लो उस ज़माने में, ये 8 बजे ड्रामा आता था. फिर 9 बजे खाना पहुंचाना फादर को उनके रूम में, मेरी जिम्मेदारी थी. फिर उनके साथ बैठ के सारे दिन का बताना आज क्या किया और कल का क्या प्रोग्राम है. तो 10 बजे आंखें बंद होना शुरू हो जाती थी, 10 से 4 ये अलाउ था मुझे. तो मुझे पता ही नहीं चला दोस्त क्या होते हैं, दोस्तों की कंपनी क्या होती है, उनके साथ बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए. तो कभी नहीं बनाए दोस्त और अलाउ भी नहीं था. अगर स्कूल में 1-2-3 के साथ क्लास में बैठे हैं वो तो जाती है बातचीत, तो अलाउ नहीं था कि उनको घर पर बुलाया. पता नहीं उनको क्या एक शक था या उनको एक इस तरह का इंप्रेशन था कि जी दोस्त ख़राब कर देते हैं बच्चों को. उनको मेरे जो दोस्त थे या इक्का दुक्का जो बन गए थे क्लास के अंदर, उनके ऊपर तो उसकी 10% भी वो नहीं थी. तो हम देख के बड़ा वो होते थे कि यार देखो इसको तो गाड़ी लेने भी आती है, स्कूल तक मुझे नहीं आती, मुझे PIDC तक जाना पड़ता है पैदल. वो मतलब गाड़ी, जब गाड़ी डिफेंस से आ सकती है PIDC तो स्कूल तक क्यों नहीं आ सकती. बिल्कुल. लेकिन कहते थे नहीं तुम्हें वहाँ तक पैदल आना पड़ेगा. वो प्रोसेस से मुझे गुजार रहे थे. इट वॉज अ प्रोसेस. ट्रू. अग्रीड. 100%. वो प्रोसेस से मुझे गुजार रहे थे. इसी तरह नमाजें भी पढ़नी है, जमात से भी पढ़नी है, वो छोड़ते ही नहीं थे. फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी तो उसमें जो देर से उठने की इजाज़त थी, मगर कितनी देर से? 7 बजे सुबह. सुबह 7 बजे देर है जी. सुबह 7 बजे कितने बजे उठना होता था वैसे अर्ली वाले में? 4:30 फजर से पहले. ओह माय गॉड. सुबह 4:30 बजे उठना ही उठना जी है. 4:30 बजे उठ के वजू करके चेंज करके सीधा मस्जिद जाना है साथ में नमाज पढ़ने, जब तक वो जिंदा थे. ये रूटीन कितना बेहतरीन है. और 7 बजे अगर उठना है, और ये कब तक आपने फॉलो किया होगा? मुझे याद पड़ता है स्टार्ट तो शुरू से ही था, जब से मैंने इनके साथ उनकी डेथ से 1-2 साल पहले जब वो बहुत बीमार पड़ गए थे ये था. फिर 7 नहीं था, 8 हो गया था बस. अब वो आदत नहीं डाली थी तो पता ही नहीं था दोस्तों की कंपनी क्या होती है. तो जब वो नहीं थे तो शौक भी नहीं रहा, तो बनाए भी नहीं कभी.
बनाए भी नहीं कभी? नहीं. यू नेवर हैड फ्रेंड्स? नहीं. अब हो गए कोई पिछले 8-9 साल से. 8-9 साल से? जी, मतलब मैं 40 क्रॉस किया तब मैंने सोचा कि चलो यार अब जरा देखें दोस्त कैसे होते हैं. नहीं यार, उससे पहले तो दिस इज सो गुड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. बेसिकली नॉट गुड और बैड, वेरी इंटरेस्टिंग. फिर बट ये था कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं 80s के अंदर, 90s में. तो हम तो माशाल्लाह उस गोल्डन एरा में पैदा हुए हैं जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी. मोबाइल फ़ोन नहीं थे हमारे सामने आए, कंप्यूटर्स नहीं थे हमारे सामने आए, लैपटॉप्स नहीं थे हमारे सामने आए, बहुत सी चीज़ें, बहुत से गैजेट्स हैं. लेकिन वो दिलाते थे, लेकिन वो कहते थे मैं खुद दिला के चेक करूँगा तुम क्यों ले रहे हो, क्या करोगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा इससे. तो वो पूरे उसकी एक रिसर्च होती थी, जो भी चीज़ अगर दिलानी है मुझे तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई, कहीं ख़राब ना हो जाए, टाइम ना वेस्ट करे. यस. अब 7 बजे अगर मुझे फ्राइडे सैटरडे उठने की इजाज़त थी देर से, तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे छोड़ दिया जाता था. सुबह उठें जी, माली के साथ काम में लग जाएं, सब्जी मंडी जाएं, सामान खरीदें, सारे काम, पूरे हफ्ते का, पूरे हफ्ते का बंस रोड जाएं, पूरे हफ्ते की सब ग्रॉसरी वहाँ से खरीदें. मुझे याद पड़ता है जब पुरानी सब्जी मंडी हम जाते थे तो वहाँ पे एक फ्रूट मार्केट बिल्कुल पीछे होती थी, बहुत चलना पड़ता था. तो पूरे हफ्ते का फ्रूट लेते थे 10 लोगों का, घर में हम रहते थे मम्मी अब्बा भाई सारे. तो उसको उठाने के लिए जो 1 रुपया लेता था वो मज़दूर गाड़ी तक पहुँचाने का नहीं लेते थे, तुम ही उठाओगे इसको, वो नहीं उठाएगा. तो मैं उठा के लाता था, मेरे हाथ जम जाते थे पूरे, ख़ासतौर पर सर्दियों में. तो कहते थे नहीं, 1 रुपये की कोई मसला नहीं है जब 500 रुपये का फ्रूट खरीद लिया मैंने, लेकिन करोगे तुम ही सारा. तो हर चीज़ मुझे सिखाई, प्लम्बर से लेके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आता था उसके साथ लग जाओ, देखो तारे कैसे जोड़ता है. प्लम्बर आता था तो उसके साथ लग जाओ, हर चीज़ सीखो, सीखो हर चीज़ सीखो, पाइप कैसे काटता है, कैसे जोड़ लगाता है, नल कैसे लगते हैं, वॉशर कैसे लगते हैं, रेंच कैसे चलती है. कारपेंटर आता था, लग जाओ उसके साथ, किचन में रंधा कैसे मारते हैं. आजकल के लोगों को तो पता भी नहीं होगा रंधा क्या होता है. रेती से घिसाई कैसे होती है. गाड़ियों का उनको शौक था, अमेरिकन कार्स का. तो मुझे गाड़ी मैकेनिक भी हूँ मैं. उनके बाद भी मैंने कोई, आज तक मैं रख रहा हूँ गाड़ियाँ, और अपनी गाड़ियाँ ज़्यादा खुद मेंटेन करता हूँ मैं. अरे वाह. फारिग टाइम में, क्योंकि इतने दोस्त हैं नहीं ना कि मैं बिजी रहूँ. जब फारिग होता हूँ इसमें लग जाता हूँ. क्योंकि वो वालिद साहब की एक पूरी तरबियत ही इस तरह की है कि इतना ज़्यादा घर के कामों में बिज़ी कर दो कि फिर, और फिर कारोबार में घर के काम और ये फैमिली, तो फिर बाहर का कोई. 90 तक जब जिंदा थे तो इन्हीं कामों में लगाया हुआ था. 90 के बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया. आई वाज दैट टाइम कितने साल का था मैं, 19 साल का था उनकी डेथ हो गई. तो फिर भाइयों की शादियां भी हो गई थी, काफ़ी बड़े हैं मुझसे. तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार अब कब तक मैं बैठ के प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम करता रहूँ, कारोबार में आ जाओ, सीरियस हो जाओ. जब 19 के थे उसके बाद आपने क्या किया? 19 के बाद एक दफ़ा कॉलेज सेंट पैट्स था, पढ़ता था वहाँ मैं, फायरिंग हो गई वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन की आपस में. वो मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैं कॉलेज से सीधा ऑफिस आ गया और फिर दोबारा नहीं गया कभी. तो जो ऑपरेटर वाली जगह छोड़ी थी वहीं बैठ गया वापस आके. मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि मेरे वालिद बड़े रिलीजियस थे, नमाज के और इन चीज़ों के, पैसा किस तरह घर में आना है, किस किस्म का पैसा बच्चों को फीड करोगे. तो उसका असर ये हुआ कि आज तक माशाल्लाह हम सारे भाई एक हैं, क्योंकि सब हलाल का कमाया आज तक. ह्यूज थिंग. वरना जिस तरह के हमारे बिजनेसेस हैं आज, और आपको डिटेल बताऊंगा मैं, मौके बहुत हैं गलत पैसा कमाने के, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है. तो हम, मेरे भाइयों ने मुझे बस सपोर्ट किया, ख़ासतौर पे मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं अफजल वली मोहम्मद, उन्होंने एक फ़ादर का रोल प्ले किया मेरे साथ. जैसे ही मेरे फादर की डेथ हुई 1990 में, उन्होंने मुझे अपनी कस्टडी में ले लिया कि मैं इसको देखूंगा. और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं. इस्लामाबाद में अब रहते हैं वो, उसी वक्त चले गए थे वो, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे. उसके बाद उन्होंने, मतलब वालिद साहब के बाद जो है ना,
आई थिंक उन्होंने ट्रेनिंग वाला चार्ज संभाला होगा इन माय संभाला हुआ, लेकिन वो वालिद साहब वाला तो स्ट्रिक्ट माहौल नहीं रखा था उन्होंने, वो यही कहते थे यार मैं बाप थोड़ी हूँ, ट्रेनिंग तो उनको वही वाली आती होगी। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया था सब। मेरे पास जैसे मैंने बताया पापा को शौक था, गाड़ियाँ भी थी मेरे पास, सारी सहूलतें थी, अच्छी पॉकेट मनी थी मेरी उस वक्त, हो गई थी, मगर मैं यूज़ ही नहीं करता था, कहाँ उड़ाऊँगा, किस पर उड़ाऊँगा, कोई है ही नहीं, इंट्रोवर्ट थे ना आप इसलिए। हाँ, तो बस वो मैं जमा करता रहता था, अपनी पसंद की चीज़ें ले लेता था अपने लिए, ज़्यादातर घर में रहना। फिर अम्मी थी, तो फिर अम्मी की खिदमत शुरू की मैंने 1990 से लेके दो साल पहले 2022 एंड, तो उनके साथ मैं रहा, उनके घर में रहा, मैं आज तक उन्हीं के घर में हूँ, मैं उनकी तो डेथ हो गई है। अच्छा, काम किया सर ये आप। तो अम्मी के साथ भी यही था कि बस मेरी अम्मी होती थी, मैं होता था घर में, फिर शादी हो गई तो वाइफ भी आ गई, बच्चे आ गए घर में, तो हम रहते थे, बाकी भाई भी हम साथ ही हैं, लेकिन एक पोर्शन है हमारा जिसमें अपने अपने इंडिपेंडेंट बैंगल्स बने हुए हैं, लेकिन रहते हम साथ हैं, हमारी एंट्री एग्जिट सब एक ही गेट से होती है। वही है घर जो मेरे वालिद साहब छोड़ गए थे आज तक। तो जिस किस्म का रिस्क खाया हमने, उसका असर ये ज़रूर है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, दोस्तों को भी अब जो बन गए हैं अब पिछले कुछ सालों में, कि यार अपने घर में ना साफ़ सुथरा रिस्क लाओ। ये घर एक दरख्त की तरह होता है, फर्टिलाइज़र किसी पौधे को देते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र से पौधा बड़ा खूबसूरत बनता है, उसके अंदर फल भी बड़ा खूबसूरत आता है, टेस्ट नहीं होता उसमें। आप यूरोप वगैरह में आप जाते हैं, फ्रूट खाते हैं, आप आम की मिसाल ले लें, पाकिस्तानी आम, वो बाहर के आम ले लें, कितना फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने इतना फर्टिलाइज़र और इतने केमिकल डाल डाल के खूबसूरत तो बना दिया है, टेम्पटिंग देख के लगता है यार अभी लूँ खा लूँ, लेकिन जब खाते हैं तो फीका होता है। दिल के शेप की स्ट्रॉबेरी, हर शेप की जी चीज़ें मिल जाएंगी, सब मिलेगा आपको, टेस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड डाल डाल के, अब तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गया ये। तो ये है कि आप जितनी खालिस ग़िज़ा घर में लाएंगे, साफ़ सुथरी हलाल, ऐसी वो दरख्त फलेगा फूलेगा और मीठा होगा। ठीक है, शक्ल शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होगा उसका। क्योंकि देखिए, आप बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, आपका कारोबार एक वक्त आता है, आप ढलना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त आपको एक ऐसी औलाद की ज़रूरत होती है, ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है, जो कहे कि जी ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालदा हैं, हम इनको अब संभालेंगे, इन्होंने सारी ज़िंदगी हमें संभाला, ना कि वो औलाद आपको कहेगी जी आपने को एहसान थोड़ी किया, ये तो आपका फ़र्ज था। एक ये भी अजीब स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, हमारे यहाँ विच आई डिसएग्री विद। वो माहौल कैसा है आपके घर का, और माहौल बनता ही, मैं मेरा ये बिलीफ है, हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करें, कि आप रिस्क कैसा लाते हैं घर में। मेरे पास बड़ी मिसालें हैं गलत किस्म का, इस किस्म का पैसा जो होता है ना वो रहता नहीं है ज़्यादा, सेहत में निकल जाएगा, औलाद में निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, सारी ज़िंदगी आप पैसा कमाने पर लग जाते हैं, फिर उसके बाद वही पैसा अपनी ज़िंदगी बचाने पर लगा देते हैं। आप पैसा तो जमा कर लेते हैं, लेकिन बीमारियां ऐसी लग जाती हैं कि आप अपनी मनपसंद ग़िज़ा खा नहीं सकते। हम कहते हैं ये नहीं खाओ, परहेज़ करो, ये परहेज़ करो, वो परहेज़ करो। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को देखें, तट के खा रहा है, दबा के खा रहा है, धूप में खड़ा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बीमार नहीं होता। यहाँ पे तो हल्का सा कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सीधा डॉक्टर, हैवी मेडिसिंस। ये तो सारा जो सिलसिला होता है ना, वो यही होता है कि आप रिस्क कैसा लाते हैं। गलत पैसा आता है तो फिर आप सोचना शुरू करते हैं कि उस पैसे को कैसे बचाएं, उस गलत काम को कैसे बचाया जाए, छुपाया जाए। उससे होता है आपको स्ट्रेस। स्ट्रेस मेरे नज़दीक मदर ऑफ डिजीज़, वो आपकी पूरी बॉडी माल फंक्शन कर जाती है, और फिर जो सबसे वीक ऑर्गन होता है उस पर वो अटैक करता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये होता है। तो जब तक आपके घर में आपका पैसा साफ सुथरा नहीं आएगा, वो कभी प्रॉस्पर नहीं कर सकते वो फैमिली। बड़े बड़े आए चले भी गए, और आज भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी की बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बेचारे परेशान हैं। पैसा भी है, घर बंगले गाड़ियाँ हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं सक रहे हैं रात को। सुकून क्यों नहीं है, यही तो पॉइंट है। उसके रीज़न बताया मैंने आपको, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और दूसरा, पैसा कमाना कितना है,
मैं अपने बाद की जनरेशन का रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनकी औलादों का मैं नहीं हूँ ज़िम्मेदार। जिस तरह मेरे फादर मेरे ज़िम्मेदार थे, मेरी औलाद के नहीं। हम यहाँ निकल जाते हैं 7 नस्लों को खिलाने, आप अपने बच्चों को तो चलें एक जगह पर रहें, उनके जो बच्चे होंगे ना जब आप मर जाएंगे तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे दादा दफन कहाँ हैं, कभी कब्र पे भी नहीं आएंगे, जिनके लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करोगे। तो मैंने अपने बच्चों को, मेरे 2 बच्चे पढ़ के आए हैं बाहर से, 2 पढ़ रहे हैं, उनको बोल दिया मैंने, कहा अच्छा खिला दिया, स्टैंडर्ड सिखा दिया, अच्छे घर में, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ कर दिया, मेरी ज़िम्मेदारी अब ख़त्म, अब आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद शुरू करें। ठीक है, अगर पैसा आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पे बढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो वो जो मेरे फादर ने मेरे साथ रखा था एक सिस्टम, वही सिस्टम मैं चला रहा हूँ। ठीक है, उनको मैं मैच तो नहीं कर सकता, इवन नॉट इवन 50%, क्योंकि आजकल माहौल भी कुछ और है, लेकिन ये है कि सख्ती मैंने बहुत रखी हुई अपने घर में। ठीक है, मुझे तो एक दोस्त भी अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम 100 दोस्त बना लो, 10 बनाओ, क्वालिटी के हों, अच्छी फैमिली हो, देखूँगा, चेक करता हूँ मैं। मेरी मिसेज भी काफ़ी इसमें एक्टिव हैं, कौन हमारे घर में आ रहा है, उनके फैमिलीज कैसी हैं, ऐसा नहीं कि जी हर कोई उठा घर में आ गया, ये हम देखते रहते हैं इस तरह से। तो इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ें करते हैं तो चीज़ें भी अच्छी चलती रहती हैं। क्या खिला रहे हैं, कितना खिला रहे हैं, कितनी उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से दे रहे हैं, या उसको कदर ही नहीं हो रही है और वो पैसे लिए जा रहा है आपसे, उड़ाया जा रहा है, तो कब वो खड़ा होगा अपने पैरों पर? कल उसकी शादी होगी, उसकी बीवी पूछेगी तुम खुद क्या करते हो, तुम तो अपने वालिद के पैसे पे चल रहे हो ना, उसके पास क्या जवाब होगा? अभी तो वो नहीं सोच रहा है, उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मैंने ये सब सिस्टम इंट्रोड्यूस किए मेरे घर में, ये नहीं कि आज अल्लाह के करम से अगर कुछ मैंने अच्छा कमाया हुआ है तो मैं इनको बढ़ाना शुरू कर दूँ, और फिर मैं स्ट्रेस नहीं लेता, छोड़ दिया, पहले लेता था, अब छोड़ दिया। मैं कैसे छोड़ा? कुछ काउंसलिंग हुई, कुछ अपने आप के साथ खुद काउंसलिंग की मैंने, सोचता हूँ बहुत हूँ मैं बैठ के, वैसे ही मैं थोड़ा सा तन्हाई पसंद हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं सोशलाइजिंग नहीं करता, इतनी मेरी वो नहीं है उठना बैठना लोगों के अंदर। तन्हाई पसंद वाली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग की है सर आपने। तन्हाई पसंद किस तरह से, मतलब कुछ हॉबीज मेरी ऐसी हैं ओके, जिसमें मुझे ज़रूरत नहीं है किसी कंपनी की। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री मैं पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने पूरी दुनिया की हिस्ट्री देखी हुई है, गया हूँ जाता हूँ, क्योंकि ट्रैवल बिजनेस में हूँ तो बड़ी आसानी से मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको देखने चला जाता हूँ। ख़ास तौर पर प्री एंड पोस्ट इस्लामिक मुझे बहुत शौक है, तो ऑलमोस्ट 80% मैंने कवर किया हुआ है, जाके देखा है। ओके, मतलब मेरे यूट्यूब पे इंटरेस्टिंग कि आप कह रहे हैं कि पहले पढ़ा है आपने उसको जी और फिर ट्रैवल किया। देखिए ना, आपको जो पता ही नहीं हो एक चीज़ का तो आप कैसे जाएंगे? आपको खाना खाने में रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसके पहले आई फील अटैक्ड। एक खाना खाने भी आप जाते हैं किया है कि गया हूँ मैं, और उसके बाद वापस आने के बाद मैंने कहीं पढ़ा और मैंने बोला यार ये जगह से तो मैं होकर आया हूँ और ये तो इतनी बेहतरीन जगह थी। फॉर एग्जांपल वो कोई भी हो, उसमें तो मेरे वालिद ने मुझे बड़ी सपोर्ट की। जैसे मैं उस ज़माने से जब 12-13 साल का था, 15 साल का था, तो मुझे शौक़ था पढ़ने का बुक्स, तो आज भी मेरे पास बहुत बुक्स हैं हिस्ट्री की, वो पढ़ता था और फिर मैं अपने वालिद को पूछता था ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ, ये गजवा कैसे हुआ, ये मार्का कैसे हुआ, इस्लाम का ये कैसे हुआ, तो फिर कहते हैं चलो तुमको ले जाके दिखाता हूँ मैं, तो हम फ्लाइट लेके निकल जाते थे। वाओ, फिर जब मैं वहाँ जाना बहुत शुरू हो गया तो एक वही मैंने कहा ना रूहानियत। अब आप मिसाल के तौर पे मैंने पूरा पढ़ा इस्लाम से पहले नबियों के बारे में, फिर मैं जॉर्डन चला गया ओके, 9 दिन रहा वहाँ पर, बट वो 9 दिन के अंदर मैं किसी नाइट क्लब में या बार में या रेस्टोरेंट में नहीं रहता था, मैं रोज़ सुबह निकल जाता था शाम तक और जाके किसी नबी के मज़ार के ऊपर या किसी साहबी के उसके ऊपर या किसी बैटल फील्ड में जाके। अब आप ये सोचें ना कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसमें एक ग्रेव एक नबी की है जिसका अल्लाह ताला से डायरेक्ट 1-to-1 रिश्ता था, वो आपके 10 कदम दूर दफन है, तो वो जो वाइब्स आती है ना आपको, एनर्जी आती है, तो मुझसे निकला नहीं जाता था बाहर, वहाँ से अपने आप को धक्के देके बाहर निकलता था। अच्छा, टेल मी अबाउट लाइक मैं टॉप 3 कंट्रीज पर बात करता हूँ, ये जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टेल मी अबाउट द 3rd कंट्री, सऊदी के अलावा हम बात कर रहे हैं बेसिकली, सऊदी तो है ही है ऑफकोर्स, बट इसके अलावा टॉप 3 कंट्रीज हिस्ट्री और कल्चर के अंदर आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत पॉजिटिव है आपके लिए वो? जॉर्डन जाए, जॉर्डन
जॉर्डन में क्या एक्सपीरियंस किया आपने? जॉर्डन जो है ना, मज़ा आ गया आपको फॉर एग्जाम्पल? वहाँ पे दोनों इस्लामिक और प्री इस्लामिक जितनी हिस्ट्री वहाँ पर है ना, मेरे ख्याल में दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी अलावा बैतुल मुकद्दस के, क्योंकि दैट वाज पार्ट ऑफ अल कुद्स. पैलेस्टाइन तो पहले जॉर्डन का ही था ना एक ज़माने में, तो बाद में अलग हुआ और एक बीच में जो डेड सी आ गया उसने अलग अलग कर दिया दोनों कंट्रीज़ को, इसराइल को और इसको. लेकिन जॉर्डन को अगर आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे हर गली कूचे के अंदर एक हिस्ट्री है, तारीख है, तारीख है. ओके. हर चीज़ आपको वहाँ मिलेगी, असहाब कहफ से लेके नबियों के मज़ारात से लेके बड़े बड़े जो जंगें मुसलमानों की हुई हैं, जंग मूता, जंग यरमूक जिनका हमने सुना है, गजबे जितनी भी हैं या जंगें हैं, गजबा में तो हुजूर खुद होते थे, उस सारी सहाबियों की वहाँ पे जितनी डेथ हुई हैं, शहीद हुए हैं, वो सब वहीं पर हैं. मतलब मैं गया था, मुझे तो इतना पता नहीं था उस वक्त, ना इंटरनेट था नहीं, बड़ी मुश्किल से वो गूगल से ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाला था. गूगल मैप्स वगैरह तो ईजाद ही नहीं हुए थे उस वक्त जब मैं गया था. तो मेरा प्रोग्राम दो दिन का था और मैं हर रोज़ एक एक दिन बढ़ाता गया. तो यहाँ पे जो ट्रैवल में मेरा कंसल्टेंट था वो भी परेशान हो गया था कि क्या कर रहे हैं, इतने चार्जेस लग रहे हैं आपके ऊपर. मैंने कहा क्या करूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा था. मुझे दो दिन का 9 दिन लग गए मुझे. रोज़ 10:30-11 जाता था, रात को 10 बजे आता था, ख़त्म ही नहीं हुआ. फिर भी नहीं ख़त्म हुआ, फिर भी रह गया. जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है. सीरिया तो अब जाने जैसा नहीं रहा. इजिप्ट में, इजिप्ट का बताएं. इजिप्ट सबसे पहले तो आप पैरामिड्स, उस पैरामिड्स को भी आप बग़ैर स्टडी किए जाएंगे तो बेकार है. देखें इजिप्ट की हिस्ट्री क्या है. लग्जर है, अलेक्जेंड्रिया है, वहाँ पे जो ममीज़ हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे हज़रत यूसुफ रहते थे, वहाँ पे उनके सारे अभी तक हैं वाकियात. फ़ेरोज़ की सारी अभी भी वहाँ पे हिस्ट्री है, वाकियात हैं उनकी. आप अंदर जाएं, इसके पैरामिड के अंदर जाएं, वहाँ देखें. उनका जो म्यूज़ियम है वो मतलब अनबिलीवेबल, ममीज़ जिस तरह अंदर रखी हुई है. ओके. वो देखें. वो तो हिस्ट्री का अगर शौक है तो ये सारी जगहें हैं. ये पूरा बेल्ट है ये, राइट फ्रॉम टर्की है, जैसे टर्की में भी है काफ़ी चीज़ें. सीरिया आ जाता है आपका, इराक है आपके, बट टॉप में मैं कहूँगा जॉर्डन. एंड क्योंकि इराक में नहीं गया हूँ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन सीरिया में गया हूँ अर्ली 80s में, वही मेरे फादर मुझे ले गए थे. वहाँ पर तो भरी पड़ी हिस्ट्री, बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए. और फिर जॉर्डन आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है. ये वो एरियाज हैं जहाँ पे मतलब आपको एक एक दो दो हफ्ते चाहिए. लेकिन वो सारा डिपेंड करता है आपको शौक कितना है. सही बात. आपको देखना क्या है. सही बात है. और कितना आपने इसको पढ़ा हुआ है. और इसके लिए ये नहीं कि आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा, हार्डली 2 महीने, 1 महीना शुरू तो करें ना कहीं से. अब जैसे हमारे सहाबी थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला, उनको मैंने पढ़ना शुरू किया था कि वो किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया और किस तरीके से किन किन लेके उनकी डेथ तक. फिर मुझे शौक हुआ, मैं उनकी, मैं डमास्कस चला गया, वहाँ से गाड़ी ली, मैं उनके हम से एक जगह है एक मस्जिद के अंदर ढूंढता उनकी कब्र कहाँ है, वहाँ जाके बैठ गया मैं. तो वो मज़ा आता था, एक पूरी एक अचीवमेंट होती थी कि मैंने पूरा पढ़ा, उस जगह पे पहुँचा, अब उनकी कब्र के साथ बैठा था, ऐसा लग रहा था वो मेरे साथ बैठे हुए हैं. तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था तो मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक उठा, तो फिर मैं इसमें लग जाता था. तो ये मेरी तन्हाई पसंद का एक बड़ा, एक वन ऑफ द रीजंस है. मैं फारिग बैठता था तो मैं यही करता था. और फूड के हवाले से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको आप कहते हैं कि यार इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू? दुबई. ओके. हर खाना आपको वहाँ मिलेगा, बड़ा सबसे अच्छी चीज़ हलाल है वहाँ पे. मैं नहीं खाता हूँ वो जो मीट होता है उस वाला, बगैर उसके. इवन अल्लाह माफ़ करे, हम यूरोप USA में जाते हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स लिखे हुए होते हैं, बड़ा दिल होता है जाने का जिस पर हलाल लिखा हुआ भी है. बट ये वो स्लॉटर मेथड नहीं यूज़ करते जो हम करते हैं. वो तो मशीन के ऊपर ही चल रहा होता है और एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है. तो मैं तो नहीं खाता जाके वहाँ पर. तो मुझे पता ही नहीं वहाँ का टेस्ट कैसा है. लेकिन जो बिल्कुल ही हलाल नहीं है, हम YouTube के ऊपर या Facebook पे या Insta पे देखते हैं जिस तरह के स्टेक्स और ये खाने पीने बन रहे होते हैं, दिल तो बहुत होता है, टेम्पटिंग होते हैं. खाता नहीं हूँ मैं, रोक के रखता हूँ अपने आपको. लेकिन वो सारी चीज़ें आपको हलाल मिल जाती हैं दुबई में. तो वो खाने के हिसाब से बहुत अच्छा है. अब हम बात करते हैं जहरीज के हवाले से, डिटेल के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू कि इस वक्त जहरीज ग्रुप क्या क्या कर रहा है. सर 94 पर रुक गए थे. यस, हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा रुक गए जी. बढ़िया, लेट्स कम बैक इन. जहरीज नाटा के बाद 1994 में फिर जिस तरह फैमिली बढ़ती रही,
हम और अपनी ब्रांचेज हमने शुरू करना की, ब्रांचेज बनाई और बिजनेसेस लेके आए हमने, फिर अपनी इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की पाकिस्तान में जेरीज नेट के नाम से, जेरीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें इंटरनेट सर्विसेज और रिलेटेड जितनी भी आईटी की सर्विसेज हैं वो आज तक हम दे रहे हैं, टॉप 5 में हमारा नाम आता है इस वक्त सर्विसेज देने में, वो हमने शुरू किया वहाँ पे एक अच्छा सेटअप, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में भी हम इस वक्त प्रेजेंस है हमारी। फिर हमने जब फेडेक्स, क्योंकि ऑलरेडी एक एयर एक्सप्रेस तो हमें तजर्बा था, वो कहते हैं ना कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने, हम यहाँ पे कहते हैं जी हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो हालात ख़राब में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि जी आप वर्क वीज़ा लगाए बाहर भाग जाएं, ठीक है ना, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो उस वक्त हालात ख़राब थे, ख़ास तौर पर जो 15 साल पहले किडनेपिंग्स, किलिंग्स, बॉम ब्लास्ट, प्रॉब्लम्स, बहुत इशूज़ थे। आपको याद होगा अमेरिकन वीज़ा आपको लगाना है तो हम इस्लामाबाद जाना पड़ता था, बड़ा इनकन्वीनियंट था वो लोगों के लिए। तो उस पर ये हुआ कि हम एक, क्योंकि हमारे पास कोरियर कंपनी थी, तजर्बा था, तो वी केम अप विद अ प्रपोज़ल, हमने एक यहाँ पे एम्बेसी को हमने एक प्रपोज़ल दिया कि भाई आप ऐसा करें, अपनी सारी सर्विसेज हमें आउटसोर्स कर दें। लोग बेचारे सुबह 6 बजे 6:30 बजे आते हैं, बाहर लाइनों में लगे हुए हैं, टूटी हुई फुटपाते हैं, बच्चे लेके खड़े हैं, सर्दियों में बच्चे बेचारे कांप रहे हैं, आना सबको पड़ता था इंटरव्यू के लिए, बदतमीज़ियाँ उनके साथ हो रही हैं, रोड के बाहर बोर्ड पर खड़े हुए हैं, कोई गाड़ी में सो रहा है सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा आप, सबसे बड़ा आपको सिक्योरिटी का इशू है ये कि आपको 100 लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनसे क्या पता कौन क्या कर रहा है। तो वो एक क्लिक कर गया, उन्होंने हमें फिर अपनी वीज़ा सर्विसेज आउटसोर्स कर दी, हमने एक कंपनी बनाई और हमने इसको शुरू किया काम। उसमें यह था कि हमने वही जो चीज़ें आप एम्बेसी में या काउंसलेट में करते हैं वो हमने यहाँ पे शुरू कर दी, बायोमेट्रिक्स, सबमिशन, एवरीथिंग, एयर कंडीशन कमरे के अंदर आप बैठे आराम से, आप आएँ फैमिली के साथ आएँ, आपको लगेगा नहीं, एक तो डर भी होता था एप्लीकेंट एम्बेसी है काउंसलेट है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे मुझसे, क्या होगा कैसे होगा। हमने कहा एक नॉमिनल सी फी हम चार्ज करेंगे और हम ये तमाम सर्विसेज 10 times बेटर हम देंगे एप्लीकेंट को। वो क्लिक कर गया, वो फिर हमने ये इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर वीज़ा सर्विसेज। आज माशाल्लाह से ओवर 40 countries ने हमें आउटसोर्स कर दिया अपना सारा, जिसमें शेंजन कंट्रीज़ भी हैं, UK भी है, कनाडा भी है, कुछ फार ईस्टर्न भी हैं, मिडल ईस्टर्न भी हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान हो गया क्योंकि वो सारा जो रश होता था वो हमारे यहाँ होता है, एम्बेसियाँ काउंसलेट खाली पड़ी हुई हैं, हम सारा जमा करते हैं, एवरीथिंग वी डू इट ऑन देयर बिहाफ, शाम को जाके हम सबमिट कर देते हैं उनको, वहाँ से वीज़ा लगना है या रिजेक्ट होना है वापस हमारे पास आता है, एप्लीकेंट आता है इज्जत के साथ आता है, उसको पार्किंग भी मिलती है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है ना आना हो खुद को, और वो आके हमें देता है, तो लोगों को बड़ा इसमें रिलीफ मिला है। इसमें पहले मेरा भी अपना एक्सपीरियंस एक अजीब सा रहा है, कुछ सालों पहले एक मुल्क के लिए मुझे वीज़ा लगवाना था, तो उसके कॉन्सलेट के बाहर जो है वो सुबह कोई 4 बजे लाइन में लगना पड़ा था जी। और फिर सुबह 8 बजे 9 बजे वो खुल रहा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ 20 बंदे जा सकते हैं, इतना ज़्यादा ख्वारी थी। अब देखें, लेकिन अब जो है वो अब तो नहीं है सिस्टम, और अब तो टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स भी आ गए हैं, वो भी हम खुद कर रहे हैं, यस, हर चीज़ जो है वो मैकेनाइज्ड हो गई है, yes. तो चीज़ों को और आसान कर दिया। हम कहते हैं ना वीज़ा मुश्किल हो गए, वीज़ा आसान हो गए हैं बहुत। पहले आपको US एम्बेसी काउंसलेट जाना पड़ता था, अब ड्रॉप बॉक्स शुरू कर दिया उन्होंने, ज़रूरत नहीं है आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देने की, अगर आपका लगा हुआ है वीज़ा 5 साल का या 2 साल का 6 महीने का, आप होके आ चुके हैं, आपके बायोमेट्रिक ऑलरेडी हैं, आप जाएँ जाके वहाँ पर सबमिट कर दें पासपोर्ट अपना, या भिजवा दें किसी के हाथ से, लग के आ जाएगा वीज़ा अगर आपको आप क्वालिफाई करते हैं। तो ये हमने वीज़ा सर्विसेज शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक हमारा एक अच्छा खासा बड़ा सेटअप बन गया वो। फिर हम रियल स्टेट में आए, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली, उनको बनाया, उनको बेचा, वो एक हमारा एडिड रेवेन्यू था। फिर उसी टाइम पे हम फूड बेवरेज में भी आए, ओके, और यहाँ कराची में हमने एक कॉफ़ी शॉप खोला था, कॉस्टा कॉफ़ी जी, वो हमने खोला, बट वो ज़रा हालात ऐसे थे उस वक्त फॉरेनर्स के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि ये बाहर की इन्वेस्टमेंट थी, तो हालात ऐसे थे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो हमने बंद कर दिया। उस वक्त कॉफ़ी का इतना कल्चर भी नहीं था पाकिस्तान के अंदर, लोग ज़्यादातर चाय, ग्रीन टी भी नहीं थी इतनी, चाय पे लोगों का गुजारा था, तो वो उस वक्त हमने बंद किया। लेकिन
हमें वो एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं लंदन के अंदर हमने खोल दिए कुछ आउटलेट्स. तो कोस्टा इज़ लाइक स्टारबक्स, बिल्कुल साथ साथ हैं. वो यूएसए में वो हैं, जायंट्स हैं, ये लोग यूरोप में जायंट्स हैं. तो उन्होंने हमें, हमने उनसे बात की, उन्होंने लंदन में हमें एक आउटलेट दिया. आज अल्लाह के करम से ओवर 50 आउटलेट्स हमारे हैं. हम एज अ पाकिस्तानी कंपनी. आपके हैं लंदन में? जी. ओके. एज अ पाकिस्तानी कंपनी, बड़ा मैं प्राउडली कहता हूँ कि पहली पाकिस्तानी कंपनी है जो नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंचाइजेज. मतलब वहाँ पे फ्रेंचाइजेज तो मिलती रहती हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं. जेरीज एज ए पाकिस्तानी कंपनी इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ कोस्टा कॉफ़ी इन यूनाइटेड किंगडम. ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए भी. यस yes, yes, आप सुनते हैं वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो या तो पड़ोसी मुल्क की होती हैं या फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की होती हैं, लेकिन ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये नंबर वन है इस वक्त पाकिस्तान की कंपनी. वहाँ हमने शुरू किया, बड़ा सक्सेसफुली वो चल रहा है. फिर दोबारा फिर हम जब देखें हालात ठीक हो गए यहाँ के इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, जो सबसे बड़ा इशू है, क्राइम तो हर जगह पर है दुनिया में. तो फिर ये हुआ कि हमने यहाँ शुरू किया उसको पाकिस्तान में. पहला हमने आउटलेट खोला लाहौर में, बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ वो. फिर कराची में हमने खोला, यहाँ पे ये कौन सी जगह, मैं नाम भूल गया, डिफेंस में. और फिर तीसरा हमने इस्लामाबाद खोला, चौथा कराची में खोल रहे हैं. फिर एक और चेन थी आई हॉप इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक्स, वो हम कराची में हमने ऑन किया, लाहौर में हमने शुरू किया उसको. तो हम फूड बेवरेज में भी आ गए इसी तरह से. और फिर ये हमारे 6-7 जो डिविजन्स थे ये अब ऑपरेट कर रहे हैं. इसमें ट्रैवल, टूअर्स, एयरलाइन रिप्रेजेंटेशन, एयर एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक्स, कोरियर, आपका रियल इस्टेट, फूड एंड बेवरेज. सफ़र 1977 से 11 लोगों से शुरू किया था, आज अल्लाह के करम से 5,000 लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी में. 5,000 लोग जी. और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये और बढ़ेंगे. मैं ज़रा दोबारा से ना जेरीज वीज़ा की तरफ आता हूँ, जहाँ से हम लोग वीज़ा लगवाते हैं. आई थिंक इसका ये गिजरी की तरफ कराची में ऑफिस है, और एक जो है वो PCHS की तरफ ऑफिस है शायद. PCHS तो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट वो फेडेक्स हो गया. ओके. सो वो कैसा जा रहा है इस वक्त वीज़ा के वाले से? बहुत अच्छा है, क्योंकि वीज़ा में ना देखें, लोग मुझे कहते हैं जी पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग गई है, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते हैं. ऐसी बात नहीं है. ये सारे कंट्रीज़ जो है ना, ये कोई नफ़रत नहीं करते हमसे. कुछ हमने अपने सिलसिले ख़ुद भी ख़राब किए, ये तो दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे. एक मुझसे पूछते हैं लोग अक्सर, कैसे वीज़ा लगवाएं, क्या करें, रिफ्यूज़ तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की. बिल्कुल ऐसा ही है. टैक्सेशन हो गई और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर सही से पूरी, आप इवन वीज़ा लेके भी चले जाएँ तो वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आपको एंटर होने दिया जाएगा. वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर होते हैं. ऐसे ही है. कई दफ़ा मैं गया हूँ, मुझसे पूछा ही नहीं. कई दफ़ा गया हूँ, बहुत पूछा है मुझसे. कई दफ़ा मैं गया हूँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कस्टम ने मुझे तंग नहीं किया. जबकि मैंने देखा है ब्रिटिश सिटीजन्स, यूरोपियन सिटीजन्स, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पूरे पूरे सूटकेस खुलवा दिए उनके उन्होंने. तो अगर इतना वो रखते हैं दिल में ख़राबी, तो सिर्फ हमारे साथ ही करें ना, अभी बाकियों के साथ क्यों कर रहे हैं? सही बात. मैंने लिटरली जो अंग्रेज़ औरतें हैं, आदमी जो ट्रैवल करते हैं, उनको रोते हुए देखा वहाँ पे बैठ के. पूरा सामान खोल दिया, एक एक घंटा उनके ऊपर लगाया कस्टम ऑफिसर ने. अमेरिका में मैंने देखा, मैं खुद डर गया था कहीं ऐसा ना मेरे साथ भी हो. ये कहना है उनके यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं इस तरह की. अगर आप जेन्युइन हैं, आपने उनको सेटिस्फाई किया, यू विल गेट वीज़ा. कभी नहीं रुकेंगे आपको. और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि आप आसानी से मिल जाते हैं कहीं के भी हों. कुछ वो लोग भी चाह रहे हैं लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ उनकी कंट्रीज़ में. ऐसे ही है. तो है ना. तो पॉलिसी सबके लिए एक होती है, कोई ऐसा नहीं. हाँ, कुछ कंट्रीज़ के ऊपर सख्ती है ज़्यादा है, हम भी हैं उसमें. तो उसका रीज़न ये नहीं है कि हम वो हमारे साथ कोई वो कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, सौतेला वाला ऐसा नहीं, 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 नहीं. एक ज़माना था ना, मैं खुद लंदन गया हूँ बगैर वीज़ा के, ऑन अराइवल मिलता था सीधा. आप जाएँ वहाँ पर उतर जाएँ और दे देते थे. Okay. और अब तो काफ़ी कंट्रीज़ ने कर भी दिया है. अगर आपके पास कनाडा है, US लगा हुआ है,
शेंजन लगा हुआ है, आप सऊदी अरेबिया चले जाएं विदाउट वीज़ा, ऑनरेबल मिल जाएगा, आप कतर चले जाएं, आप इजिप्ट चले जाएं, और भी खुलने वाले हैं कंट्रीज आहिस्ते आहिस्ते। सो इस तरह से आप अपने पासपोर्ट को और बेहतर बना सकते हैं जी। सो हमारे यहाँ जो सोच है ना कि यार पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो वर्स्ट है, वो तो एक इंडेक्स रिपोर्ट दे रही होती है, मैंने भी देखा उसको, एंड देन उसके बहुत सारे रीजंस भी मैंने देखे थे, क्योंकि वो जो रिपोर्ट बनती है वो बहुत सारे ना चार पांच चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनती है कि किस पासपोर्ट, इस पासपोर्ट के ऊपर जो है वो कितने वीज़ा जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितने वीज़ा जो है ऑन अराइवल होते हैं, कितने वीज़ा जो है वीज़ा फ्री होते हैं, और उसके मुताबिक कोई फॉर्मूले के तहत, आई डोंट नो क्या फॉर्मूला होता है, उसके तहत जो है वो इट्स लाइक फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पासपोर्ट को अफगानिस्तान से मिलाया जाता है कि करीब करीब है, ऐसी बात तो नहीं है ना, या सोमालिया से मिलाया जाता है, तो ये सारा एक टेक्निकल डाटा जमा किया जाता है उसके तहत जाता है, ये कोई ये पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तानी हैं तो आप स्टार्ट ही हमारा एक शुरू हो जाएगा जी क्रिमिनल नहीं है, ऐसा नहीं है। True. तो ये डिपेंड करता है, आई थिंक इंडिविजुअल बेसिस पर जो है ना वो डिपेंड करता है, बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और टैक्सेशन और सारी सारी चीज़ों को, टैक्सेशन है, आपकी टाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे, आप उनको सिर्फ और टाइस, कोई ख़तरा नहीं है आपसे, उनको सिर्फ ये ख़तरा है कि आप वापस जाएंगे कि नहीं, बस आप उनको सेटिस्फाई कर दें, आप वापस चले जाएंगे, चले जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, नहीं आप डंकी नहीं मारेंगे, तो उस पर जो है ना वो बिल्कुल 100% आई एग्री विद दिस, एक बहुत बड़ा मसला है, और इसको अगर समझ लिया तो फिर इसकी अगर अवेयरनेस हो गई ना आम आवाम को, तो आई थिंक ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल अल्लाह करे आ जाए अवेयरनेस, या क्योंकि मैं हमेशा यही देखता हूँ, कुछ आवाम का भी कसूर नहीं है, कुछ हालात भी हमारे मुल्क के ऐसे हो चुके हैं, कर भी दिए गए हैं कि लोग बेचारे सब शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं, या रातों रात कुछ हो जाए उसमें फिर वो गलत काम भी हो जाते हैं। उसका आवाम का साइड मुझे जो लगता है वो ये है कि सर महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं एक वीज़ा की बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वीज़ा की जो कॉस्ट है, जो फीस है, अगर पहले वो कॉन्सुलेट से लगता था तो उस वक्त फ़ीस बहुत डिफरेंट थी, और आज वो बहुत ज़्यादा है, फिर चेरीज़ के चार्जेस आ जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। चेरीज़ के चार्जेस अगर आप कंपेयर करें ना जो हम सर्विसेज दे रहे हैं और वीज़ा की फ़ीस कितनी है, 1,000-1,500-2,000 रुपये, जहाँ पे 50,000 रुपये 25,000 रुपये फ़ीस दे रहे हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। एम्बेसी कहती है जी मेरे उससे जान छूट गई, मेरे पास किसी को आना नहीं है, और एप्लीकेंट को भी जान छूट गई, बहुत लोग शिकायत भी करते हैं, कंप्लेंट्स जाती हैं हमारी, कन्वीनियंस है, पैसा बहुत ले रहे हैं ये लोग, बट आप ये भी तो देखें ना कि सुबह 6 बजे जाके आप लाइन में हमारे लगे रहते थे, कितना पैसा बचा लेंगे, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये बचा लोगे आप, सही बात, यही होगा, तो वही चीज़ आप एक अच्छे माहौल में आप आते हैं, आपको बिठाया जाता है, चाहे कॉफ़ी सर्व की जाती है, उसमें भी ऑप्शंस हैं, आपको लाउंज लेना है हम आपको लाउंज भी देंगे, ठीक है, उसकी सर्विस चार्जेस अलग हैं, भरा रहता है वो, बट उसके बावजूद भी शिकायत करते हैं लोग, ठीक है, उनका हक है शिकायत करने का, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कन्वीनियंस, और फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी तो यहाँ पर कुछ कमाने ही बैठे हुए ना, मतलब मैंने कोई ये, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 5,000 रुपये पर कमा लूँगा, लेकिन अगर 1,500 रुपये भी अगर मिलते हैं तो अगर आप मेरे सेटअप को देखेंगे ना तो आप कहेंगे आप अफोर्ड कैसे कर रहे हैं जिस तरह की महंगाई चल रही है आजकल के दौर में। मैं कमाऊंगा तो मैं जॉब्स भी क्रिएट करूंगा, मैं और डिपार्टमेंट्स खोलूंगा, मैं कमाऊंगा यानी नुकसान में रहूंगा, ब्रेक इवन चलूंगा तो मैं कहूंगा ठीक है जी, आज से 10 साल पहले भी 100 लोग थे, आज भी 100 लोग ही चलेंगे, तो ये गिव एंड टेक होता है, ये है सिलसिला। अच्छा, एयरलाइंस के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपका अपना वो है, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। एज ए मैं एक तो बोर्ड मेंबर हूँ, ओके, आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्लस डायरेक्ट मुझे दो डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट भी करते हैं, एक तो जितनी एयरलाइंस हम यहाँ पर प्रेजेंट करें, अब तो तकरीबन 12-13 एयरलाइंस हो गई हैं जिनको हम यहाँ पर प्रेजेंट करें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरलाइंस वी आर रिप्रेजेंटिंग इन पाकिस्तान। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मुझे ही रिपोर्ट करता है डायरेक्ट, और अब ये पिछले कोई 7 महीने से तो मैं इसमें आ गया हूँ केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर, तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा अगले वीक तक या इसी हफ्ते, तो फिर देखेंगे बैक टू पवेलियन। ओके, मेरी तो बड़ी दुआ है कि भाई सारी एयरलाइंस आएँ पाकिस्तान,
जितनी हुआ करती थी एटलीस्ट उतनी तो आए। वो जो आती थी वो चले गई, वो इस वजह से नहीं गई हैं कि यहाँ बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो बहुत है। वो इसलिए आती थी कि लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स जो थी ना, जो लंदन से बैंकॉक जा रही है, एयरक्राफ्ट के अंदर इतना वो नहीं था वो कि वन गो में वो जा सकें, तो वो रिफ्यूलिंग के लिए कराची उतरते थे। कोई भी एयरलाइन यहाँ पे यूरोप की या ईस्टर्न यूरोप अफ्रीका की जो यहाँ आती थी ना, वो यहाँ से वापस नहीं जाती थी, वो आगे निकल जाती थी। ओके। इसी तरह से फारिस से जो एयरलाइंस आती थी वो सब कराची रुकती थी। थाई एयरवेज आती थी बैंकॉक से कराची, यहाँ से लंदन या रोम, फिलिपिन एयरलाइन मनीला से कराची, यहाँ से सीधा लंदन, जापान एयरलाइन कराची आती थी टोक्यो से वाया बैंकॉक, यहाँ से कुवैत चली जाती थी, सिंगापुर एयरलाइन आती थी, कराची उतरी, रियाद चले गई, दुबई चले गई। स्टॉप ओवर हुआ करता था, सिर्फ स्टॉप ओवर होता था, 50 ले लिए पैसेंजर, 25 उठा लिए, 40 उठा लिए। अब वो तो चक्कर ही खत्म हो गया W11 वाला। अब खत्म ना, अब तो नॉन स्टॉप फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, तो क्यों उतरेंगे यहाँ पे। ओके, इट मेक्स सेंस नाउ। आई थिंक हमारी आधी इन्फॉर्मेशन की वजह से हम वो एक अलग ओपिनियन बना लेते हैं और फिर वो नेगेटिव। हर कोई जिससे सुना जी 1990 में 88 में जहाज भरे होते थे, फुल फ्लाइटें आती थी, बहुत फ्लाइटें आती थी वगैरह वगैरह, रीजन ये नहीं है। प्लस फिर टू बी ऑनेस्ट हमने भी कभी प्रॉपर वेलकम भी नहीं किया ना इनको। अगर आपके पास एक प्लान होना चाहिए था कि जब ये सिलसिला शुरू होगा, एयरलाइनें कम होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, तो आपके पास क्या प्लान है? क्या आपने नेशनल कैरियर को इस काबिल किया कि वो कम्पीट कर सके इस तरह से? एमिरेट्स आपके सामने बनी, कतर बनी, एतिहाद बन गई, ये तीन एयरलाइनें इतनी बड़ी हैं, तो आप देखें क्या सारे पैसेंजर जो कराची से कतर एयरवेज एमिरेट्स पे जाते हैं वो क्या वहीं उतर जाते हैं? हार्डली 20%। और वो कंफर्टेबल भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा एमिरेट्स में, कतर में या फिर इतिहाद में, कितना कंफर्टेबल होता है? हार्डली 20% हब पे उतरते हैं, बाकी सब आगे चले जाते हैं। ओके। इसी तरह यूरोप से जितने पैसेंजर आप देखें लंदन से भी अगर बैठ रहे हैं कतर पे एमिरेट्स में, तो दुबई थोड़ी उतरते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई फारिस जा रहा है, कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है, तो उन्होंने अपने मॉडल को इस तरह बनाया ना कि आज वो सक्सेसफुल हो गए। हमने क्यों नहीं किया ये काम? आप 7 घंटे में कराची से लंदन पहुंच सकते हैं PIA पे, कोई नहीं जाता PIA पे, सब एमिरेट्स पे जाते हैं, 13 घंटे में पहुंचते हैं। और आपने इतनी अच्छी मिसाल दी कि कराची स्टॉप ओवर हुआ करता था और अब कुछ भी नहीं है एयरपोर्ट, कुछ नहीं। ये आई मीन अगर बहुत सारी एयरलाइंस का स्टॉप ओवर हुआ करता तो यहाँ की भी लोकल एयरलाइंस को शामिल होना चाहिए था। स्टॉप ओवर तो रहता लेकिन स्टॉप ओवर ही नहीं रहा। असल में बात यही होती है ना, फैसिलिटेट ही नहीं किया गया कभी भी, चीज़ों पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम पड़ गए थे लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म मसले मसाइल, दूसरे इतने इश्यूज थे इस कंट्री में कि हमने प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। सारा दिन बस गवर्नमेंटें गिर रही हैं, बन रही हैं, यही हो रहा है सेटअप, जो आ रहा है अपनी पॉलिसी लेके आ रहा है। जब स्टेबिलिटी होती है ना तो फिर वो चीज़ें, और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा आपको मुल्क के साथ लॉयल सिंसियर और होना पड़ता है, और आपको बड़ा देख दाख के चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात भी ऐसे हो गए थे, किसी का इसमें कसूर नहीं है, हालात का कसूर है। प्लस पाकिस्तान को वैसे भी टारगेट किया गया था, तो कभी प्रॉस्पर ही नहीं कर पाए हम, हमारे आसपास वाले कहाँ से कहाँ निकल गए। अनफॉर्चुनेटली यस यस सर, अब मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा, और हमारी यूथ के लिए, क्योंकि आप एक, मैंने आपसे ये कॉन्वर्जेशन की और आप ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इस कॉन्वर्जेशन, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा और मैं काफ़ी ज़्यादा खामोश ही रहा इस वजह से, बिकॉज आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू यू एंड आई वॉज इन्जॉइंग द होल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू। सो अब नए एंटरप्रेन्योर्स या फिर सिंपल यूथ, एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं, हम सिर्फ यूथ की बात करते हैं कि यूथ के लिए क्या एक लाए अमल है, क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त जो है हर कोई डायरेक्शन लेस चल रहा है, और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मतलब आप देखें कि 32 साल की उम्र में जो है अभी तक मैं थोड़ा सा डायरेक्शन के हवाले से जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यस प्लीज़, इसकी मैं इसको आपको मिसाल ऐसे देता हूँ, ये जो मूवीज़ बनती हैं ना वो किसी केस स्टडी को देख के बनती हैं, कुछ वाक़यात होते हैं, कुछ सिलसिले होते हैं। हम कभी कॉमेडी देखते हैं, कभी सीरियस मूवीज़ देखते हैं, हम देखते हैं भूल जाते हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी बनी हैं, मैं नहीं बताऊँगा कहाँ बनी है, कैसे बनी है, आप खुद समझ जाएंगे, जिसके अंदर बड़ा एक अच्छा मैसेज है, लेसन है। एक मूवी थी जिसमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया गया था, और उसमें एक बच्चा पढ़ रहा होता है, बड़ा जीनियस होता है वो, मगर टीचर उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो टीचरों को चैलेंज करता है। तो उसने एक उसमें एक मैसेज अपने कुलीग को देता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप को इस काबिल करो
आपके सक्सेस खुद आपके पीछे आए। हम पढ़ लेते हैं, डिग्री मिल गई, जॉब ढूंढी, शुरू हो गए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप उस डिग्री को तो आपने ले लिया, आप उसका यूज़ सही तरीके से करें। कोई नई चीज़ लेके आए, सुबह आपके पास एक नया मिशन होना चाहिए, शाम तक आपकी क्या अचीवमेंट हुई, अपने आप से पूछें मैंने क्या किया आज। हम मुसलमान हैं और हमारा बिलीफ फेथ दूसरों से मुख्तलिफ है, जैसे मैंने वो बताया, हलाल रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल। हम पढ़ जाते हैं यार किसी तरह से शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, यहाँ से कमा लो, वहाँ से कमा लो, ऊपर की आमदनी, इधर की आमदनी। ये वक्ती तौर पे तो सुकून देता है, लॉन्ग टर्म में ये गले में आ जाता है हमारे। ओके। कभी भी शॉर्टकट के पीछे ना भागें, स्लो एंड स्टेडी, ये तो सब कहते हैं ना, सीढ़ी इतना चढ़ें कि आप गिरे ना, एक से दो, एक से तीन, लेकिन एक से चार पे जाएंगे तो गिरने का खतरा होता है, उतरना भी इसी तरह होता है। और हमेशा आप देखें कि पहाड़ पे चढ़ते हैं, थक जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और फिर गिरने का ख़तरा भी होता है। तो उस लेवल पे उस तरीके से ना जाएं कि आप गिरें तो फिर संभल ना सकें। उसके लिए ख़ास तौर पे वालिदैन की इज़्ज़त, ये बात जो कहते हैं लोग कि जिनका फ़र्ज था, ऐसी बात नहीं है। जितना उनका फ़र्ज था इतना औलादों का भी फ़र्ज़ है कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करें। आज वो अगर ये हाल हो गया उनका कि वो आपके सहारे चल रहे हैं, आपका कंधा पकड़ के चल रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही थे पहले। सारी सारी रात उन्होंने जागा है आपको पालने के लिए, डॉक्टरों के पास, ये वो। बाप सारा दिन काम करके आता था, रात को बच्चा सोने नहीं देता उसको, तो ये नहीं कहता था कि इसको उठा के ले जाओ कहीं। दोनों मियाँ बीवी रात रात बीमार है, बैठे हुए लेकर उसको संभाल रहे हैं, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको खाना सिखाया, उसको स्कूल डाला। ठीक है, फ़र्ज़ होगा भी, अगर नहीं करता तो कैसे पूछते आप उसको क्यों नहीं कर रहे हो। अनपढ़ बना देता तो फिर क्या करते। तो आज जो कुछ भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, उनकी कदर करें, गलत कामों में ना पढ़ें, नमाज पढ़ें, एक सिफा कुरान पढ़ लें तर्जुमे के साथ, आप देखें आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं भी पढ़ रहा हूँ, पहले भी कुरान तो मैंने बहुत पढ़ा है, तर्जुमे के साथ शुरू किया हुआ मैंने, दो साल ढाई साल हो गए अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, बहुत स्लो स्लो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ उसने चेंज कर दी। कितनी देर लगेगी? हार्डली 10 मिनट। 24 घंटे में हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए जिसने हमें दुनिया में बनाया है। ये वो चीज़ें हैं जो बुराई से आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। छोटी छोटी चीज़ें करें, दीन के साथ थोड़ा लगाव रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं। 5 टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, 4 टाइम पढ़ लें, 3 टाइम पढ़ें, खुद ही चौथे के दिल होगा। और सबके साथ अच्छे हों, बेसिकली लोगों के साथ, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी, रिश्तेदार, जो भी हैं। नमाज पढ़ें, पूरी नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज पढ़ लें, ये प्रोटेक्शन है, आपको बुराई की तरफ से रोकेगी। इंसानों के रवैये के बारे में आपका क्या? हम्बल रहें, ऑनेस्ट रहें, दिल आज़ारी ना करें। बद्दुआ मुँह से कहने पर नहीं लगती कि अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे, नहीं होगी कबूल, वो ऑटोमेटिक दिल से निकल जाती है। और जो दिल से निकलती है ना, वो आपके हाथ में नहीं होती। अगर आप, मैंने दुख दिया और आपको अंदर दुख लगा, तो आप रोक नहीं सकेंगे कि अरशद को कुछ ना हो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो किसी की दिल आज़ारी ना करें, बेईमानी ना करें। दुनिया में भी उसकी ख़राबी और आखिरत की पकड़ बहुत ज़्यादा है। आप कह रहे हैं 32 ईयर्स, माशाल्लाह जितने भी साल आपको हो गए, मैं 52 का हो गया हूँ। क्या आज आप बैठ के देखें, आपको पता लगा है 32 ईयर्स कैसे गुजर गए? नहीं, याद ही नहीं। और आप अपनी लाइफ का आधा हिस्सा गुजार चुके हैं, आप ऊपर जाके वापस नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना? हो सकता है हर उरूज के पीछे एक जवाल है। बाकी ज़िंदगी का तो किसी को भी नहीं पता, हम तो एक ऑन एवरेज सोच रहे हैं कि आधा हिस्सा, नहीं पता कुछ भी, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो अब तक भी अल्लाह ने कहा है ना, अगर गलतियाँ हो जाती, इंसान है ना, हो भी गई, तौबा कर लें, सब माफ़ हो जाएगा। मगर इस दुनिया में जाने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करके जाएं। मरना सबने है, कोई नहीं बचेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन जाएं तो अल्लाह के सामने इस तरह खड़े होकर देखें, जी गलतियाँ हुई, माफ़ कर दें। हालात ऐसे थे, मुल्क हम इस माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ पे हर कदम पे बुराई है, तो हमारी बचत भी आसानी है। सही है।
पहले के लोगों की ज़्यादा पकड़ होगी, वो बुराइयों को ढूंढते थे, आज बुराइयाँ हमें ढूंढ रही हैं। तो हमारी अगर हम उसमें अगर बच बचा के निकल गए, थोड़े छींटे गिर भी गए हमारे पर, माफ़ करने वाली जात तो है ना, बेशक जिसने बनाया है उसको पता है। तो ऑनेस्टी, डेडिकेशन, माँ बाप की खिदमत, फरमा बरदारी, उनके बुढ़ापे में उनके साथ रहना, काम और अल्लाह की मखलूक के साथ रहम के साथ चलना, मेरा इंसानों के साथ भी, जानवरों के साथ भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास जब आई मिनिस्ट्री आई थी, लोग कह रहे थे मगरूर हो जाएगा, ये तकबर आ जाएगा। मैं और मेरे दोस्त कहते हैं तो उल्टा हो गया, पहले तुम जो मेरे करीबी हैं जिनको मैंने 8-10 साल से मेरी दोस्ती है जिनके साथ, वो कहते थे यार पहले तुम महीने में एक दफ़ा मिलते हो, महीने में 4 दफ़ा मिलते हो। मैंने कहा यही तो मुझे करना है कि मैं अगर अल्लाह मुझे उस लेवल पर लेके जा रहा है तो मैं क्या उस पर मगरूर बन जाऊँ, घुमंड आ जाए मेरा, नहीं नहीं बस टेन्योर ख़त्म हो गया। आज मैं दिखाता तकबर तो फिर क्या होता मेरे साथ भी, ऐसा ही है, और अल्लाह के नज़दीक भी मैं क्या मुँह लेके जाता। तो हम्बलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तकबर तो वैसे ही बहुत बुरी चीज़ है। घुमंड, आपने पढ़ लिया, MBA कर लिया, MBA कर लिया, PhD कर लिया, तो क्या हो गया, इंसानियत तो रखें ना अपने अंदर। सही बात है ये सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन, मोस्ट वेलकम। मैंने बहुत सीखा और उम्मीद है कि आपने इस कॉन्वर्जेशन से भी बहुत कुछ सीखा होगा। और ये एक आखिरी में बात, बेसिकली जो एंड में जितनी भी दीन के हवाले से बात हुई है उसके अंदर एक और एडिशन में ये करूँगा कि एक्सट्रीमिज़म जो है ना, सर ने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म इज़ डिफरेंट बट एतदाल मतलब बैलेंस, तो बैलेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबके साथ अच्छे रहना है, इंसानों के साथ भी, जानवरों के साथ भी, कोशिश करनी है, बस कोशिश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह करे ये मैसेज जाए, एक लाइफ भी इसमें चेंज होती है तो सदका जारी है, ये तो हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगा सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।